हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। तो ये क्या होती है वर्किंग कैपिटल, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो वाले इनपुट्स जिसमें आपको प्रोडक्शन करना है, तो बार बार इनपुट करना पड़ेगा, बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो वाले इनपुट्स जिनको आप प्रोडक्शन में बार बार यूज कर सकते हो। एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो प्रोडक्शन के लिए आप बार बार उसे यूज कर सकते हो, जैसे कि हो गया लैंड, हो गया टूल्स, हो गए मशीनरी, हो गई। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे कि आपका मनी हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये क्या है, ये सारे आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके एक ही बार प्रोडक्शन कर पाएंगे, बार बार इसको यूज करके कई सालों तक प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। तो आपसे यही पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग नहीं होता है, ये तो हो गई आपकी फिक्स कैपिटल। दूसरा है आपका रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तीसरा है टोटल शेयर कैपिटल या फिक्स डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखो, फिक्स डिपॉजिट कर दिया है इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल होती है। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 में आपने फिक्स कर दिया 50 रुपया, टोटल ये आपकी शेयर कैपिटल है। जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, और यही है आपका करेक्ट ऑप्शन कि वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ रॉ मटेरियल्स या मनी, वो पैसा जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक बार पैसा इन्वेस्ट किया एक बार की प्रोडक्शन के लिए, तो हर बार की प्रोडक्शन के लिए हमको बार बार रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत पड़ेगी, हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।